नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों आज डायरेक्ट हम चार्ट के ऊपर जाने से पहले कुछ लर्निंग आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ध्यान से समझना और बिल्कुल इसको दिमाग में थोड़ा सा बसाने की कोशिश करना, आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों समझ लेते हैं, आप और मैं, ठीक है, हम लोग FIIs हैं मान लो, ठीक है। हम लोगों ने शॉर्ट पोजिशंस बनाई थी 18,000 के ऊपर। बात समझना पूरी की पूरी, अगर बात समझ में आए तो पूरी वीडियो देखना, अदरवाइज आधे में से छोड़ के चले जाना और कोई जरूरत नहीं वीडियो पूरा देखने की। बात समझना, हम और आप कौन है, FIIs हैं। हम लोगों ने 18,000 के लेवल के आसपास बनाई, कौन सी पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी पोजीशंस हैं वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इस लेवल के आसपास, ठीक है, कौन से लेवल के आसपास, अपनी स्क्रीन पर देखो चेक करके, इस लेवल के आसपास जहाँ पर हम 18,000 के आसपास थे। और ये दिन कौन सा था, ये दिन था दोस्तों 18 तारीख और 19 तारीख, ठीक है। और मैं आपको पोजीशंस भी दिखा देता हूँ, तो मैं कौन सी पोजीशंस की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 18 और 19 तारीख की बात। तो 18 तारीख को देख सकते हो FIIs हैं ये, 18 तारीख को इन्होंने जो बनाई थी पोजीशंस तकरीबन ये शॉर्ट वाली 11%, 17 तारीख को बनाई थी 11%, तो टोटल हो गई, और ये 13%, ठीक है। तो ये वाली 13% तो क्लोज कर दी गई, लेकिन ये 11% और ये 11% जो कि 17 और 18 तारीख को बनाई गई थी, तो ये भी होल्ड है, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, एक मतलब यही इसी चीज़ के ऊपर लर्निंग है, ठीक है, और ध्यान से समझना आप। और 17 और 18 को जो पोजीशन बनी है उसके दिन, उस दिन मार्केट कहाँ था वो चेक कर लेते हैं। तो भाई 17 और 18 को जो पोजीशन बनी थी उस वक्त मार्केट जो था वो 17,950 के आसपास था। बात समझ गए, तो अब फोकस करो, मैं और आप FIIs है, हम लोगों ने 18,000 के आसपास पोजीशंस बनाई, वो भी बनाई कौन सी, शॉर्ट पोजीशंस। कहाँ बनाई, नेक्स्ट एक्सपायरी बनाई सितंबर मंथ की। कैसे पता आपको, मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर अपडेट करता हूँ, ठीक है। अब मेरे को मार्केट नीचे जाने देना है, क्यों, क्योंकि जब भी मेरे को प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, बिकॉज मैं FII हूँ, तो मैं लॉस में पोजीशंस को नहीं काटूँगा, ठीक है। मार्केट नीचे गया दो दिन बाद, कहाँ तक गया आप अपनी स्क्रीन पे चेक करो, कहाँ तक गया, 17,350 तक गया। हम जो FIIs हैं, हमको बहुत भर भर के प्रॉफिट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, जब मार्केट 17,350 पे गई थी। हमने पोजीशंस कहाँ बनाई थी, हमने पोजीशन बनाई थी 17,950 के ऊपर, कहाँ पे, यहाँ पे 17,950 के ऊपर बनाई थी, 17,950 के आसपास बनाई थी, समझ गए, 17,350 लेवल आया, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने, जो हम FIIs हैं, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, समझ गए, क्यों, क्योंकि हमारी सितंबर मंथ की पोजीशन से हम लोगों का मन ही नहीं किया प्रॉफिट बुक करने का, और हम लोग शॉर्ट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं। दिखा देता हूं आपको कहां पे, चेक करो, लास्ट दो दिन FIIs की शॉर्ट पोजीशंस, जब मार्केट दो दिन लगातार ऊपर आया है, तो ऊपर आते हुए मार्केट में हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस क्लोज ही नहीं करी। और ये जो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हुई हैं, ये जो हैं वो 19 तारीख की हैं, तो यहाँ पर आप इसको क्लैश कर सकते हो। और जो ये 22% और 26% के आसपास पोजीशंस हैं शॉर्ट वाली, ये क्लोज ही नहीं हुई हैं 23 और 24 को, समझ गए। तो अब थोड़ा सा माइंड को ओपन रखना और मेरी कन्वर्सेशन को पूरी होने देना, और आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो भाई दो दिन लगातार मार्केट ऊपर आ रहा है, ऊपर क्या कहते हैं, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है। ओवरऑल अगर देखें तो 17,400 से लेके और 17,600 के बीच में 200 पॉइंट की रेंज में है केवल दो दिन से। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हमको, हम FIIs हैं, हमने पोजीशन बनाई 17,950 के ऊपर, हमको 17,350 के ऊपर भरपूर प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, बट फिर भी हम लोगों ने पोजीशंस क्लोज नहीं की, ठीक है। क्यों नहीं करी, क्योंकि तो सितंबर मंथ के अंदर थी। अब ये जो क्यों का जवाब है ना, ये ज़रा आप सोच के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे। मार्केट को ऊपर लेके आ रहे हैं, शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं कर रहे, क्या पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, याद रखना, कौन सी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, हम लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, FIIs है, शॉर्ट पोजीशन में रखी है ऊपर के लेवल के ऊपर, मार्केट ऊपर आ रहा है, तो कौन सी पोजीशन क्लोज करनी चाहिए अगर मार्केट ऊपर आ रहा है, तो
शॉर्ट पोजीशन क्लोज करनी चाहिए, लेकिन वो शॉर्ट पोजीशन क्लोज ही नहीं कर रहे। मार्केट ऊपर आ रहा है, कौन से पोजीशन क्लोज कर रहे हैं? लॉन्ग पोजीशंस, बुलिश पोजीशंस। अब ध्यान से समझना, अब वो भी दिखा देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर देखो। आज के दिन मार्केट को एक रेंज में रखा, 18% के आसपास उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी। कौन सी वाली? लॉन्ग वाली। बिल्कुल ध्यान से समझो, अब ये देखो, अब वापस आते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस एज इट इज बकाया बची हुई हैं 26% के आसपास, और जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो ऊपर गढ़ती हुई मार्केट के अंदर क्लोज कर रहे हैं। अब समझो इस मार्केट की साइकोलॉजी को, इस डाटा पॉइंट को समझो। लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर अगर आप नहीं जुड़े हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैंने आपको साफ साफ बताया था लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया था कि यहाँ पर मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा ऐसा कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हुई हों। अब ये देखो 17,950 शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई हैं? सोच के देखो, अगर 17,950 या 18,000 के लेवल को क्रॉस करना है मार्केट को, तो क्या FIIs अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो क्लोज नहीं कर रहे। वो मार्केट को नीचे लेके आए और अच्छा खासा प्रॉफिट होता उनको, अच्छा खासा उनको प्रॉफिट होता नीचे के लेवल के ऊपर, लेकिन क्लोज नहीं की। कौन सी पोजीशन क्लोज कर दी ऊपर बढ़ते हुए मार्केट में? लॉन्ग पोजीशंस। इसका मतलब क्या है कि जहां पर उनको अच्छा खासा टाइम मिल रहा था पोजीशंस क्लोज करने का, वो क्लोज नहीं की। इसका मतलब इस बार जब मार्केट नीचे जाएगा ना, तो वो मतलब उनका मन में क्या है, उनके मन में क्या है छुपा है, ये सोचो। क्या छुपा उनके मन में? उनके मन में ये छुपा हुआ है कि भाई हमको प्रॉफिट बुक 17,350 पे नहीं करना, उसके भी नीचे जाएंगे जब हम, तब करेंगे हम प्रॉफिट बुक। बात समझ गए नहीं समझे? तो यही है डर जो मेरा खुद के लिए है। और मुझे डर लगता है इस वक्त जो अपसाइड चल रहा है ना, मुझे बड़ा डर लगता है। कल भी यही बात की थी, और आज का जो डाटा है ना, वो साफ साफ बता रहा है कि लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं बढ़ती हुई मार्केट में, और शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करी हुई हैं। अरे भाई, ऐसा कौन सा इंसान होता है? और FIIs तो ऐसा करता ही नहीं है। FIIs तो मार्केट चलाता है, ड्राइव करता है मार्केट। तो ये धोखा नहीं है तो क्या है? ये धोखा नहीं है तो क्या है, जरा मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि डाटा पॉइंट्स जो हैं आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रांग करते हैं, समझे। कल बताया था कि मार्केट में एक अपसाइड, मतलब डेड कैट बाउंस टाइप का, देखो कैसे बताया था कल मैंने, स्क्रीन पे चेक करो फटाफट से। मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि हो सकता है मार्केट में यहाँ पे आए और दुनिया को ये बिलीव करवाएं, दुनिया को बिलीव करवाएं कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ मस्त है, सब कुछ अच्छा है। और जो लोग ये नहीं जानते कि इन लेवल्स के आसपास शॉर्ट पोजिशन भर भर के बना रखी हैं किन लोगों ने, FIIs ने, वो तो जानेंगे ही नहीं। जो डाटा पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते वो जानेंगे ही नहीं। तो वो क्या करेंगे, वो भरपूर तरीके से यहाँ पर इस लेवल के आसपास क्या बनाएंगे? लॉन्ग। ये कौन प्लेयर होंगे? ये वो छोटे प्लेयर होंगे जिनको डाटा पॉइंट्स की नॉलेज नहीं है। बात समझे, कल पूरी बात हुई थी ऐसी वाली। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सोचो ये शॉर्ट पोजीशंस कहाँ क्लोज की जाएंगी। अच्छा खासा मौका था यहाँ पर पोजीशन क्लोज करने का, लेकिन नहीं की। मार्केट ऊपर जा रही है, लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब जो ये शॉर्ट पोजीशन बनाई गई हैं उनको वो इस लेवल से भी नीचे जाके क्लोज करेंगे कहीं ना कहीं। ये मेरा मानना है, समझ में आ गई होंगी आपको बात पूरी की पूरी। ये है कहानी, ये है लर्निंग, ये है इंपॉर्टेंस डाटा पॉइंट की, जो आपको बता सकता है। डाटा पॉइंट आपको बता सकता है, क्या बता सकता है कि आगे सिचुएशन क्या बन सकती है। कॉशियस रखना है आपको अपने माइंड को, और वो डाटा पॉइंट्स आपको बताएगा। अब ये दिक्कत यहाँ पे क्या आती है कि हम लोग, जो लोग इम्पेशेंस होते हैं ना, जो लोग ये सोचते हैं कि यार डाटा पॉइंट ये बता रहा था, मार्केट का मूव तो आया ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हर एक घंटे के बाद ना मुझे ये पता लग जाए कि मतलब मूव कब आएगा, या फिर मतलब मूव जो है अगले दिन ही आ जाए। ऐसा नहीं होता है। मार्केट को प्रिपेयर होने दो, मार्केट में लिक्विडिटी होने दो, मतलब FIIs को ये बिलीव दिलवाने दो रिटेल ट्रेडर्स को कि हाँ भाई सब कुछ बढ़िया है, डरने की बात नहीं है। लेकिन वो तो तलवार लेके खड़े हुए ना, कौन? FIIs लोग, कि जब मतलब शिकार आएगा उसके ऊपर तलवार चलेगी, और वो तलवार क्या है? शॉर्ट साइड की पोजिशंस।
उम्मीद करता हूँ सब चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पेशेंस होकर पेशेंस लूज करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और मार्केट, शेयर मार्केट क्या है ना कि FIIs भी अपने शिकार ढूंढते हैं। FIIs क्या करते हैं, अपने शिकार ढूंढते हैं कि हाँ भाई, जैसे ही जंगल में क्या होता है, शेर होता है, वो बिल्कुल पूरा दिन एक ही जगह पे बैठा रहता है, जैसा शिकार आता है तुरंत झपट्टा मार देता है, होता है कि नहीं होता, दो तीन तीन घंटे बैठा रहता है छुप के, कौन बड़े शिकार के लिए बैठता है, वो छोटे शिकार तो ऐसे वैसे ही पकड़ लेता है, लेकिन बड़े शिकार के लिए उसको भी पेशेंस रखना होता है। तो दिस इज़ द गुड लर्निंग टू ऑल ऑफ यू कि आप शेर के शिकार से भी सीखें, और वही करते हैं कौन FIIs। आप समझ गए होंगे पूरा का पूरा इस कन्वर्सेशन को, ये कन्वर्सेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ताकि आपको पता लग सके मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है, और ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझा दिया, और आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी इस वक्त कि यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही है, क्लियर। तो इम्पेशेंस लोग यहाँ पर ये सोचेंगे हो सकता है सब कुछ ठीक हो गया हो सकता है मार्केट में सब कुछ बढ़िया, मेरे को नहीं लगता फिलहाल ऐसा, क्योंकि डाटा पॉइंट्स मेरे को अलाउड ही नहीं कर रहे कि सब कुछ बढ़िया है। सितंबर मंथ के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं पोजीशंस, कौन सी, शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है। डाटा पॉइंट्स के हिसाब से हमने डिस्कस कर लिया सिचुएशन क्या है, चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। चार्ट में जो ये वाली लाइन है जो यहाँ पर और यहाँ पर रेसिस्टेंस थी, और अब ये लाइन ही रेसिस्टेंस दोबारा बनेगी क्योंकि प्राइस नीचे है, और ये रेसिस्टेंस आ रहा है 17,740 के आसपास, तो ख्याल रखना इस लेवल के आसपास। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो मैंने आपको क्लोजिंग से पहले बताया था कि मार्केट इस वीक की जो एक्सपायरी करेगी ना वो ऊपर के लेवल के ऊपर करेगी, ठीक है। डाटा ने ये चीज़ बता दी थी, अब वो समझा देता हूँ कैसे बता रही थी। डायरेक्टली अगर ऑप्शन चेन के ऊपर, अब चलो ऑप्शन चेन के ऊपर बाद में जाएंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं हिसाब किताब क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये हिसाब किताब देखो पूरे महीने का, 1 अगस्त से नया महीना चालू हुआ था ना, 1 अगस्त से वहाँ से मैंने डाटा लिया है अभी तक का, 24 तारीख तक का, और कल एक्सपायरी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो टोटल इनकी ऑन हैंड पोजीशंस क्या हैं, कुछ भी नहीं है भाई। प्रोप्राइटर्स की ऑन हैंड पोजीशंस कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ की पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, इनका कोई व्यू नहीं है सितंबर मंथ के लिए। FIIs के व्यू देखो फटाफट से, वीडियो लंबी हो जाएगी, माफ़ी चाहूँगा। इन्होंने अपनी बढ़ती घटती जैसी भी मार्केट है, जैसे आज भी इन्होंने शॉर्ट पोजीशन वो लॉन्ग पोजीशन क्लोज करी, तो ऑन हैंड इनके पोजीशन अब खत्म हो चुकी हैं लॉन्ग साइड की पोजीशन, और कल एक्सपायरी भी है, तो अगस्त मंथ की जो इनकी लॉन्ग पोजीशन है वो सब की सब क्लोज कर डाली इन्होंने। और शॉर्ट पोजीशन अभी देखो कितनी है, 53%, जब ये पूरा का पूरा आप टोटल करोगे ना तो 53% आएगा, समझ गए। तो इस तरीके से FIIs शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहा है सितंबर मंथ के अंदर, ठीक है। DIIs 34% के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर रहा है सितंबर मंथ के अंदर, और रिटेलर 33% के आसपास लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है इस वक्त। तो भाई इनके पास कोई पोजीशन नहीं है, FIIs के पास शॉर्ट पोजीशंस हैं, DIIs के पास शॉर्ट पोजीशंस हैं, और रिटेल के पास सितंबर मंथ के लिए 33% कौन सी पोजीशंस है, लॉन्ग। इसका मतलब रिटेल अभी भी फुल बुलिश है सितंबर मंथ के अंदर कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। अब सितंबर का महीना 30 दिन का होता है, ये मत कहना कि सितंबर के पहले दिन में ही मूव क्यों नहीं आया, ठीक है। लिक्विडिटी जब तक पूरी नहीं मिलेगी ना किसको, FIIs को, तब तक FIIs अपनी तलवार नहीं चलाएंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये बताया गया था आज के दिन कि भाई मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर होएगी, क्यों बताया गया था उसका रीज़न भी सुन लो। उसका रीज़न है ऑप्शन चेन जो इस वीक की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन चेन के ऊपर 17,700 के ऊपर चेक करो, अच्छी खासी कॉल बाइंग हुई है। एट द मनी के ऊपर चेक करो, पुट राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग कम है, क्लियर। किसी ने 17,750 के ऊपर भी एक्टिविटी की है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट 17,700 से लेके 17,750 के आसपास आएगा एक बार, इस रेंज में जरूर आना चाहिए कल के दिन मार्केट एक बार। इसीलिए कहा था कि शॉर्ट मत कैरी कर लेना, लाइव मार्केट में समझाया था, टेलीग्राम चैनल को समझाया था, जाके जरूर चेक करना, और आपको साइकोलॉजी भी समझ में आ गई होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मार्केट को जानबूझ के ऊपर लेके जा रहे हैं, ऑप्शन की हेल्प से लेके जा रहे हैं, याद रखना। ये मार्केट दो दिन से जो ऊपर जा रही है ना, ये केवल और केवल ऑप्शन की हेल्प से ऊपर जा रही है। FIIs बहुत चलाक हैं, ऑप्शन की
पोजिशंस को प्रॉफिटेबल कर लेंगे, FIIs ने शॉर्ट पोजिशंस होल्ड करी हुई वो भी ऊपर के लेवल के ऊपर, और फिर अगले मंथ में नई पोजिशंस बिल्ड करेंगे ऑप्शंस में, कौन सी शॉर्ट पोजिशंस, और तब तक सबको बिलीव हो जाएगा कि भाई सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। ये मेरा मानना है, ये मेरी पूरी सिचुएशन है जो मैंने एनालिसिस की है डाटा पॉइंट के हिसाब से। आपको समझ में आती है बहुत बढ़िया, नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको डाटा पॉइंट्स का हिसाब किताब बता दिया। और हम जानते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, वो जानते हैं FIIs कभी हारता नहीं है, FIIs कभी भी नहीं हारता। उनका प्लान क्या है मैंने आपको क्लियरली ओपनली बता दिया, ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर बता दिया, फ्यूचर के बेसिस के ऊपर बता दिया, ठीक है। अब ऑप्शन चेन मैंने दिखा दी, डाटा बता दिया फ्यूचर का, अब कल का व्यू समझ में आ गया होगा कहाँ तक मार्केट 17,700 से लेके 17,750 के बीच में हम लोग निकल जाएंगे बुलिश पोजीशन से, जो हम लोग कैरी करके गए हैं। मैं पर्सनली कैरी करके गया हूँ, मेरे मेंबर्स जानते हैं उस चीज़ को, और देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन हम बहुत कॉशियस हैं, पहले बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं हम लोग, इस चीज़ को जानते हैं, मैं और मेरे मेंबर्स इस चीज़ को जानते हैं, उनके साथ डिस्कशन ये हो रखा है ऑलरेडी, लेकिन आज पब्लिकली सबके साथ कर दिया मैंने डिस्कशन ये वाला, आप भी इस चीज़ को जान जाओ। तो मैं अपसाइड तो प्ले कर रहा हूँ, लेकिन बहुत डर डर के कर रहा हूँ, मुझे डर लगता है भाई FIIs की पोजीशंस के अगेंस्ट बैठने में डर लगता है, समझ गए। तो निफ्टी कंप्लीट हो गया, बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। तो भाई बैंक निफ्टी आज लीड किया, अच्छे से लीड किया, क्यों किया, ICICI बैंक की वजह से किया, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से HDFC बैंक भी परफॉर्म किया, ठीक है ना, तो ठीक है। लेकिन बट एक चीज़ है कि अगर कल के दिन ये मार्केट एक्सपायरी के वक्त अगर ये बिलीव दिलाने में आपको सक्षम हो गई कि मार्केट में सब कुछ ठीक है, तो सबका व्यू जो है बुलिश हो जाएगा और वहीं पे मरेगा, याद रखना रिटेल ट्रेडर। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन फटाफट से देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन आपके सामने है, ठीक है, तो मैं खोल के रख रहा हूँ ऑप्शन चेन आपके सामने, वो भी बैंक निफ्टी का 25 अगस्त का, और आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि भाई यहाँ पर यहाँ पोजिशन बन रही है 39,300 के ऊपर, ठीक है, और मेन 39,500 के ऊपर रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। तो 39,300 से लेके 39,500 के बीच में मिले तो निकल के भाग लो चुपचाप से, ठीक है, निकल के भाग लो चुपचाप से। तो 39,300-39,500 के आसपास रेसिस्टेंस है मार्केट में, चुपचाप से लॉन्ग पोजिशन क्लोज करो और छुट्टी मनाओ, ठीक है। मेरा तो व्यू यही है, बाकी आपको जो देखना है जो करना है वो कर लीजिए। जिस दिन FIIs अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करना शुरू करेगा, मैं फुल बुलिश हो जाऊंगा, और इस तरीके से बुलिश होऊंगा कि मैं सारी कैपिटल यूज़ कर लूँगा मैं, लेकिन अभी कॉशियस हूँ। समझ में आ गई पूरी वीडियो, इंपॉर्टेंट समझ में आ गई, मार्केट की सिचुएशन समझ में आ गई, क्या है क्या नहीं। कल भी समझाया था कि मूव जो है मुझे लगता है ऐसा आएगा कि नीचे गिरा मार्केट, ऊपर आया, सबको बिलीव हुआ और फिर नीचे गिर गया, कल भी समझाया था वीडियो में, आज ही मैं इसी बात पर टिका हुआ हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट के, जो कि आपको अपडेट देता रहता हूँ मैं लाइव मार्केट के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।